आपकी इंग्लिश की बुक के फिफ्थ लेसन पे हैं। फिफ्थ लेसन है ट्रैफिक रूल्स, जो कि एक पोएम है। इस पोएम के थ्रू हमें क्या समझाया जा रहा है कि ट्रैफिक रूल्स का पालन हमें ज़रूर करना चाहिए। ट्रैफिक रूल्स जो होते हैं वो हमें सेफ रखते हैं, मानते हो ना आप भी इस बात को? तो ये जो पोएम है ये ट्रैफिक रूल्स के इंस्ट्रक्शंस पे बेस्ड है। इससे पहले ये एक क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं, देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है। व्हाट डू यू डू बिफोर क्रॉसिंग अ रोड, व्हाट डू यू डू, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या पूछा जा रहा है आपसे। व्हाट डू यू डू बिफोर क्रॉसिंग अ रोड, रोड को पार करने से पहले आप क्या करते हैं, क्या करते हैं आप बताओ? दाएं बाएं लेफ्ट राइट, रोड के दोनों तरफ देखा जाता है। ऐसा तो नहीं होता कि भाई हमें रोड पार करना है और अपना चल पड़े भाई रोड पे, हमें तो पार करना है, ऐसे नहीं होता। दोनों साइड हम देखते हैं ना कि कोई व्हीकल तो नहीं आ रहा है, फिर हम रोड पार करते हैं। हम सिग्नल का भी ध्यान रखते हैं, तो इन सब बातों को हम देख के तभी रोड पार करते हैं ना। अभी नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, हमें टिक द पिक्चर विच शोज़ द राइट वे टू क्रॉस अ रोड। तो पिक्चर हमें दिखा रखी हैं रोड को क्रॉस करने का, जो राइट वे है, सही रास्ता है, जो सही तरीका है, उस पर टिक करें। अब ये लड़की हमें दिखाई दे रही है जो भाई चलती हुई बस के आगे से भाग के रोड पार कर रही है, ऐसा ही कर रही है ना। और ये जो लड़की है ये सिग्नल का ध्यान दे रही है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे है, तो ये लड़की समझदार है। अरे बात आती है यहाँ पर, क्या पॉइंट है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्या होती है? ज़ेब्रा क्रॉसिंग होती है बेटा रोड पर सफ़ेद और काले रंग की धारियाँ बनाई जाती हैं, जैसे कि ज़ेब्रा के शरीर पर होती हैं। ज़ेब्रा एक एनिमल का नाम है, आपने देखा भी होगा, जिसके पूरे शरीर पर वाइट और ब्लैक कलर की ऐसे धारियाँ होती हैं, उसी तरह से रोड पर भी बनाई जाती हैं, जिसे ज़ेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। और जब रोड पार करना होता है तो हमें ज़ेब्रा क्रॉसिंग का ही यूज़ करना चाहिए। बात समझ में आ गई? तो ये लड़की समझदार है, इसको पता है कि रोड पार करना है तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे से करो और सिग्नल का भी ध्यान दो। तो रोड को क्रॉस करने का राइट वे यही है, तो हमने इस पर टिक कर दिया। गॉट इट? अब बारी आती है पोएम की। पोएम पढ़ने से पहले एक, जिन भी बच्चों ने बुक ओपन नहीं की है वो बुक ओपन कर लें। बेटा जब भी मैं आपको रीडिंग कराती हूँ, कुछ भी काम कराती हूँ, तो आपने ऐसे खाली हाथ नहीं बैठना है। बुक का अभी रीडिंग का काम है, हमें पोएम पढ़नी है, तो आपने अपनी बुक ओपन ज़रूर करनी है। जो लाइन मैं बोलूँ आपने सेम लाइन मेरे बाद रिपीट करनी है, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। व्हेन यू गो आउट इन टू द स्ट्रीट इन योर व्हीकल ऑन और योर फीट, बोलो बेटा, व्हेन यू गो आउट इन टू द स्ट्रीट इन योर व्हीकल और ऑन योर फीट, लुक आउट फॉर ईच ट्रैफिक साइन टू कीप यू सेफ सिक्योर एंड फाइन, लुक आउट फॉर ईच ट्रैफिक साइन टू कीप यू सेफ सिक्योर एंड फाइन। ये क्या कह रहे हैं हमें कि सड़क पार कर रहे हो आप, चाहे स्ट्रीट माने गली, सड़क भी बोल सकते हैं आप, चाहे आप सड़क पार कर रहे हैं, चाहे आप पैदल हैं या व्हीकल पर हैं, तो आपने ट्रैफिक साइन जो होते हैं उनको ज़रूर देखना है, उनका पालन करना है, क्योंकि यही ट्रैफिक साइन हमें सेफ सिक्योर एंड फाइन रखते हैं, हमें सुरक्षित रखते हैं। और ठीक, सेफ एंड सिक्योर मीन्स सुरक्षित, फाइन मीन्स ठीक, ठीक है? टू क्रॉस द रोड व्हेन You go walking, use the black and white zebra crossing. बोलो बेटा, to cross the road while you go walking, use the black and white zebra crossing. क्या कहा जा रहा है कि सड़क को पैदल पार करते समय हमें ज़ेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करना चाहिए। ज़ेब्रा क्रॉसिंग ये होती है इस तरह से, ठीक है? If a signal changes to the color red, stop at once, don't go ahead. बोलो बेटा, if a signal changes to the color red, stop at once, don't go ahead. Ahead means होता है आगे बढ़ना, मतलब कि जब भी जो सिग्नल होता है, जैसे लाइट, सिग्नल की लाइट होती है ना, जब भी रेड हो जाए, रेड कलर की लाइट चमकने लग जाए,
तो आपने स्टॉप हो जाना है, रुक जाना है, आगे नहीं बढ़ना है। गेट रेडी टू स्टार्ट व्हेन इट टर्न्स येलो, जब ये येलो हो जाए तो आपने स्टार्ट हो जाना है, मतलब कि आपने तैयार हो जाना है चलने के लिए। जब ये येलो हो जाती है तो आपने चलने के लिए तैयार हो जाना है। गेट रेडी टू स्टार्ट व्हेन इट टर्न्स येलो, ग्रीन इट मीन्स नाउ यू कैन गो। क्या कहा जा रहा है कि जब ये येलो हो जाए, ये लाइट येलो हो जाए, तो आप चलने के लिए तैयार हो जाओ, और जब ये ग्रीन हो जाए इसका क्या मतलब है कि अब आप जा सकते हैं। आपने देखा होगा ना कि सिग्नल पे जब ये लाइट होती हैं तो सारे व्हीकल एकदम से रुक जाते हैं, जब रेड कलर का सिग्नल होता है तो सारे व्हीकल एकदम से रुक जाते हैं, जब वो येलो होता है तो सब अपने व्हीकल को स्टार्ट कर लेते हैं, और जैसे ही वो ग्रीन लाइट इंडिकेट होती है तो सभी व्हीकल अपना चल पड़ते हैं। देखा है ना आप सब ने, तो हर एक को इन इंस्ट्रक्शंस को ज़रूर फॉलो करना चाहिए। ओबे द रूल्स विदाउट मच फस एंड रीच होम सेफ, यू आर वेरी प्रीशियस। प्रीशियस क्या होता है, कीमती, बहुत मूल्यवान है। ओबे द रूल्स, इन रूल्स का पालन करें विदाउट मच फस, बगैर किसी गड़बड़ी के, बगैर किसी शिकायत के आप इन रूल्स का पालन करें और अपने घर सेफ पहुँचें, क्योंकि आप बहुत ही मूल्यवान हैं, बहुत ही कीमती हैं। चलो एक बार फिर से हम इस पोएम की रीडिंग करते हैं। इस पोएम को आप समझ चुके हैं कि इस पोएम में इन रियल हमें क्या 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 बात बताई गई है। अब इसको इंग्लिश टू इंग्लिश, सिर्फ इंग्लिश में हम एक बार इसको रीड करेंगे ताकि आपको ये अच्छे से पढ़नी आ जाए। ठीक है बच्चों, चलो बोलो। When you go out into the street, in your vehicle or on your feet, look out for each traffic sign to keep you safe, secure and fine. To cross the road, when you go walking, use the black and white zebra crossing. If a signal changes to the color red, stop at once, don't go ahead. Get ready to start, when it turns yellow, green it means now you can go. Obey the rules without much fuss and reach home safe, you are very precious. अच्छी पोएम है ना। हर एक बच्चे ने इस पोएम को तीन बार पढ़ना है, समझना है और इन ट्रैफिक रूल्स का पालन भी करना है। ठीक है, चलो ये पोएम आप पढ़ें, याद करें। ठीक है, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ओके बाय।